आज हम आप लोगों को ये बताएंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर या 2007 हम लोग कंप्यूटर में कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले अपने कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर को कहीं से सेटअप ले लीजिए, उसके बारे में सेटअप चलाइए। देखिए तब माई कंप्यूटर में जाते हैं और यहाँ पर एक मेरा पहले से पेन ड्राइव लगा चुके हैं बाबा प्रेस के नाम से, इसको ओपन करेंगे। अब यहाँ देखना है कि सॉफ्टवेयर इस पर पूरी सॉफ्टवेयर है। तो देखिए ऑफिस 2007 इंस्टॉल करें या 2010, तो चलिए हम आपको 2010 इंस्टॉल करें। इसको पहले राइट बटन क्लिक करना होगा और ओपन कर देना होगा। अब देखिए यहाँ पर आपको सेटअप दिया हुआ, सेलेक्ट कर दीजिए, राइट बटन क्लिक कीजिए और यहाँ से ओपन कर दीजिए। और यहाँ पर क्या करना होगा, ये ओपन हो गया। अब यहाँ से आपको आई एक्सेप्ट द थिंग्स करके यहाँ पर कंटिन्यू आपको कर देना होगा और यहाँ पर इंस्टॉल पर क्लिक कर देना होगा। देखिए मेरा सेटअप जो है इंस्टॉल होने चालू। लमसम आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल होने में कम से कम 10-15-20 मिनट टाइम लगता है, तो आप प्लीज़ वेट कीजिए वीडियो में। देखिए तो मेरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल हो गया है। यहाँ पर क्या कर देना कि यहाँ से क्लोज कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए मेरा जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है, पर क्लिक करते हैं, ऑल प्रोग्राम पर जाएंगे। देखिए यहाँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आ गया ना, इस पर क्लिक करना होगा। अब देखिए ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हम कौन से इंस्टॉल किए थे, 2010।